Hello everyone, welcome to the class and this is me Ankita Kabra. So in today's class we will discuss about the biomolecules. In our previous class humne padha tha monosaccharide glucose, right? Structural properties of glucose, open chain structure of glucose. So hum aaj usi ko thoda elaborate way mein padhenge. We will study Fischer projection formula, configuration system, DLL configuration system, that is nomenclature, okay, and some other like Havard projection formula, okay. So let's get started. DLL configuration of monosaccharide. Now जो जितने भी monosaccharides हम देखते हैं, चाहे वो glucose हो, fructose हो, ribose हो, ओके, गैलेक्टोज हो, मैनोज हो, उन सबका एक नोमेनक्लेचर सिस्टम है. वो नोमेनक्लेचर सिस्टम हम देते हैं या फिर उसके लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज डी एन एल कॉन्फिग्रेशन, ओके. और ये जो डी एन एल कॉन्फिग्रेशन है, दिस इज रिलेटिव कॉन्फिग्रेशन, ठीक है. ये एब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन नहीं है, ये रिलेटिव कॉन्फिग्रेशन है. मतलब किसी एक कंपाउंड को स्टैंडर्ड मानकर हम उसी की तरह के नोमेनक्लेचर दूसरे कंपाउंड को देते हैं. फाइन, सो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. पहले हमने पढ़ा था आर एन एस कॉन्फिग्रेशन, राइट. तो वो एक नोमेनक्लेचर सिस्टम था, सेम उसी तरीके से डी एन एल कॉन्फिग्रेशन है, ओके. बट उससे पहले यू मस्ट नीड टू नो व्हाट इज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड फ्लाइंग वेज फॉर्मूला, ओके. तो फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में क्या होता है, टेट्राहेड्रल कार्बन होता है, राइट. और वो टेट्राहेड्रल कार्बन के अराउंड चार बॉन्ड स्पेशियल अरेंजमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, राइट. ऐसे ही होता है फ्लाइंग वेज फॉर्मूला, राइट. और यहाँ पे एक बॉन्ड होता है विच इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. तो ये जो दो बॉन्ड है, दिस टू बॉन्ड्स आर इन द प्लेन, दिस बॉन्ड इज towards the observer, right, and this bond is away from the observer. So ye bond, or we can say this bond is below the plane and this bond is above the plane, right. So is flying wedge formula ko hum 2D mein paper mein how will you represent, thoda simple रिप्रेजेंटेशन चाहिए था हमें, तो हमने निकाला फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. तो इस फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, ये जो टेट्राहेड्रल कार्बन होता है, ये जो असिमेट्रिक कार्बन होता है, ओके, दैट विल रिप्रेजेंटेड बाय टू क्रॉस लाइन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ओके, इस तरीके से. और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस इज योर टेट्राहेड्रल कार्बन. यहाँ पे कार्बन हम दिखाते नहीं है, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इंडिकेट्स कि वहां पे क्या है, कार्बन है, ओके. और इस कार्बन के चार डिफरेंट ग्रुप 1, 2, 3, 4 यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके. सो जो इसमें हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, दिस लाइन, ओके, लेट मी बी वेरी क्लियर. हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है ना, दैट इज कमिंग आउट ऑफ द पेज. और जो वर्टिकल लाइन होती है, दैट इज रिप्रेजेंट द बॉन्ड्स गोइंग इन टू द पेज. तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये जो टू बॉन्ड्स है, दिस वन, दिस आर टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ओके, एंड दिस टू बॉन्ड्स, वर्टिकल लाइन आपकी जो है ये वाले, दिस इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, दैट मीन्स दे आर अबाउ द, sorry, below the plane, okay, and these two bonds are above the plane, okay, towards the observer. तो यही चीज आपका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिखाता है, okay. So this thing you have to keep in mind, okay. I hope this much is clear. चलो हम आगे बढ़ते हैं अभी. इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला से डिनोट करते हैं, इन विच वर्टिकल लाइन जो होती है
दैट डिनोट्स द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन एटम. मतलब हमने ग्लूकोज में देखा देर आर सिक्स कार्बन एटम इन अ रो, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, एक ये जो वर्टिकल लाइन है दिस रिप्रेजेंट द सिक्स कार्बन एटम. कैसे देखो, दिस इज यहाँ पे आ जाएगा आपका फर्स्ट कार्बन एटम एट द हेड, ओके. दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड हियर इज योर सिक्स्थ, ओके. तो दिस वन इज योर फिफ्थ, दिस वन इज योर फोर्थ, दिस वन इज योर थर्ड, दिस वन इज योर सेकेंड. सो दिस वर्टिकल लाइन डिनोट्स लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन इन कार्बोहाइड्रेट, ओके. और जो कार्बोहाइड्रेट में जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एटम होगा दैट विल बी एट द टॉप, दैट विल बी एट द अपर पोर्शन. मतलब यहाँ पे हम हमेशा लिखेंगे सी एच ओ. अगर अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो सी एच ओ हमेशा टॉप पे आएगा, ओके. मतलब अल्डोजेस है मोनोसेकेराइड में, अगर हम बात करें, अगर हम अल्डोजेस की बात कर रहे हैं और सी एच ओ ग्रुप प्रेजेंट है तो वो सी एच ओ ग्रुप हमेशा, वेन एवर यू राइट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला दैट इज ऑलवेज ऑन द टॉप, चाहे वो किसी का भी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो, ओके. राइबोस का हो या फिर ग्लूकोज का हो या फिर गैलेक्टोज का हो, सी एच ओ इज ऑलवेज ऑन द टॉप. अभी कीटोसिस में क्या होता है, सी ओ ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, राइट. तो दैट इज प्रेजेंट ऑन द सेकेंड पोजिशन, ओके. वो सेकेंड पोजिशन पे प्रेजेंट होता है, वो फर्स्ट पे प्रेजेंट नहीं होता, ओके. वो टर्मिनल पोजिशन पे प्रेजेंट नहीं रह सकता, वो मिड में प्रेजेंट होता है, तो वो सेकेंड पोजिशन पे प्रेजेंट होता है. वी विल सी इट लेटर ऑन, ओके. अभी देखिए, दिस इज ग्लिसराल्डिहाइड, ओके. ये जो है ना, दिस इज ग्लिसराल्डिहाइड, दिस इज फ्लाइंग विच फॉर्मूला फॉर द ग्लिसराल्डिहाइड. ग्लिसराल्डिहाइड क्या है, कौन सा वाला मोनोसेकेराइड है ग्लिसराल्डिहाइड, जल्दी से बताइए. इट इज अल्डो ट्रायोस. कौन सा है, अल्डो ट्रायोस. यहाँ पे सी एच ओ आ जाएगा, ओके. इस तरीके से यहाँ पे एच है, ओ एच है, और नीचे क्या है, सी एच टू ओ एच. तो देखो सी एच ओ हमने कहाँ पे लिखा, एट द टॉप. एंड ये जो कार्बन है, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज योर काइरल कार्बन एटम, ओके. असिमेट्रिक कार्बन एटम, फाइन. सो दिस इज द फ्लाइंग वेज फॉर्मूला. अभी आप देख सकते हो ये जो बॉन्ड है, दिस इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, दिस ओ एच इज टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एंड दिस टू बॉन्ड सी एच ओ एंड सी एच टू ओ एच इज इन द प्लेन, ओके. सो हमने इस तरीके को इस फॉर्म में लिखा, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, राइट, वेयर दिस टू बॉन्ड्स एच एंड ओ एच दे आर टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ओके, अबाउट द प्लेन. And these two bonds, vertical line wale, they are away from the observer, below the plane. Okay, so इसी को हम cross line से indicate करते हैं. Fine. So I hope this much is clear. Okay. यहाँ पे आपको R and S configuration भी दिया है, because this is asymmetric carbon atom. तो हम R configuration और S configuration में क्या करते हैं? We assign priority to the different groups, right? तो यहाँ पे first priority जाएगी OH को, second to CHO, and third to CH2OH, and this is rotating in clockwise. So configuration क्या हुआ? R हुआ. Whenever you will try to convert this flying wedge formula to Fischer projection formula, okay? या फिर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, तब याद रखना कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होना चाहिए. आर मस्ट बी आर, एस अगर है तो वो एस ही रहना चाहिए. आप आर का एस बना रहे हो या एस का आर बना रहे हो, ये अलाउड नहीं होता. कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है. तो हमने देखो जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है एच जो है वो हमने लिया है हॉरिजॉन्टल एंड पे, राइट. तो जब हम लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल एंड पे लेते हैं, तो अगर काउंटर क्लॉकवाइज जा रहे हो, रोटेशन अगर काउंटर क्लॉकवाइज है देन इट इज आर, और अगर क्लॉकवाइज है तो एस. लेकिन अगर आप वर्टिकल एंड पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप लेते हो, यहाँ पे अगर आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, तो अगर क्लॉकवाइज जाओगे तो आर रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो एस रहेगा. ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, राइट. तो यही चीज है, यहाँ पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल एंड पे है, इसलिए हम काउंटर क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और इसीलिए ये आर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है. ये एस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है,
always remember, because lowest priority group is at horizontal end. Fine. So ye hai hamara glyceraldehyde. Okay. So now अभी हमें देखना है कि हम अदर मोनोसैकेराइड को कैसे डी और एल का नेमिंग करते हैं. फाइन. सो ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज, मतलब अभी अभी भी हम ग्लूकोज को ऐसे ही नेमिंग करते हैं, डी प्लस ग्लूकोज. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैपिटल डी हाइपिन विद इन द पैरेंथेसिस प्लस साइन हाइपिन एंड ग्लूकोज. ओके, तो ये जो डी है बिफोर ग्लूकोज, इट रिप्रेजेंट कॉन्फिग्रेशन. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कॉन्फिग्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है जो हम नेमिंग सिस्टम अभी देख रहे हैं, डी एंड एल. ओके, और ये जो प्लस साइन है, दिस रिप्रेजेंट द डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल. हमने पढ़ा था डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लियो रोटेटरी, राइट, रोटेशन ऑफ ऑप्टिकल लाइट, पीपीएल का रोटेशन. अगर राइट साइड में हो रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है. ओके, अगर लेफ्ट साइड में हो रहा है तो लियो रोटेटरी है. उस टाइम पे हम इससे डिनोट करते हैं, है ना. या फिर आप कैपिटल स्मॉल डी या स्मॉल एल भी ले सकते हो, राइट. पढ़ा था ना हमने ये. या तो इट शुड बी रिमेम्बर दैट, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैपिटल डी एंड कैपिटल एल जो है हैज नो रिलेशन विद द ऑप्टिकल एक्टिविटी. कैपिटल डी और कैपिटल एल इंडिकेट्स कॉन्फिग्रेशन. ये चीज फिट कर लो दिमाग के अंदर. कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फिग्रेशन के लिए है. स्मॉल डी स्मॉल एल दे आर फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी. और कैपिटल डी कैपिटल एल और स्मॉल डी स्मॉल एल का कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है ना, तो आप बोलोगे कैपिटल डी की जगह स्मॉल डी लिख दिया, व्हाट्स अ बिग डील, राइट. बट इट इज रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो प्लस साइन माइनस साइन दैट इज फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी लियो रोटेटरी. कैपिटल डी कैपिटल एल दैट इज फॉर कॉन्फिग्रेशन सिस्टम. ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर. डोंट इंटरचेंज कैपिटल डी विद स्मॉल डी एंड कैपिटल एल विद स्मॉल एल, गलत हो जाएगा. ओके, सो ये है हमारा ग्लूकोज, राइट, सी एच ओ सी एच ओ एच, देन सी ओ एच एच. कितने काइरल कार्बन एटम है ग्लूकोज के अंदर? 4, है ना, याद है सबको. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. There are 4 chiral carbon atom. तो कितने isomers हुए? कितने isomers हुए? 2 to the power n. n is equals to chiral carbon atom. Okay? तो कितने isomers हुए? 2 to the power 4. That is equals to 16. Okay? ये चीज याद रखना. 16 optical isomers if we talk about. Okay? So this is your d प्लस ग्लूकोज. तो ऑलवेज रिमेम्बर, जितने भी नेचुरली ऑकरिंग शुगर है दे आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी. जितने भी नेचुरली ऑकरिंग शुगर है जनरली दे आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड डी शुगर्स. ओके, डी शुगर्स है. ओके, दिस इज योर फ्रुक्टोज, सी एच टू ओ एच सी ओ सी ओ एच एच सी एच ओ एच सी एच ओ एच सी एच टू OH, and this is D minus fructose. मतलब ये लियो रोटेटरी है. ओके, ये नेचुरली ऑकरिंग फ्रुक्टोज इज लियो रोटेटरी, बट इट इज डी शुगर. इट इज डी शुगर. यू कैन से जनरली मोस्ट ऑफ द शुगर विच ऑकर इन नेचर आर डी शुगर्स. ठीक है, बट फ्रुक्टोज इज लियो रोटेटरी एंड ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी. ये चीज आपको याद रखनी है. ओके, तो अभी हम देखते हैं ये डी और एल आता कहाँ से. ठीक है, सो लेटर डी एंड एल बिफोर द नेम ऑफ एनी कंपाउंड इंडिकेट्स रिलेटिव कॉन्फिग्रेशन. ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, बट आप ये रिलेटिव कॉन्फिग्रेशन कैसे इंडिकेट करोगे? यू नीड समथिंग स्टैंडर्ड ना. आपको रेफरेंस चाहिए होगा किसी कंपाउंड का जिसको देख के आप बोल सको कि अच्छा ये कॉन्फिग्रेशन इसके तरह है तो ये डी शुगर है, ये कॉन्फिग्रेशन इसके तरह है तो ये एल शुगर है, राइट. तो उसके लिए हम यूज करेंगे ग्लिसराल्डेहाइड. ग्लिसराल्डेहाइड एक सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड है जिसमें एक असिमेट्रिक कार्बन आइटम है. ओके, एंड एग्जिस्ट इन टू इनेंशियोमेरिक फॉर्म. तो ये देखो, ये आपका ग्लिसराल्डेहाइड है,
CHO, CHOH, CH2OH, CHOCOH, HCH2OH. Okay, and now these are mirror images of each other. They are enantiomers of each other. Okay, क्योंकि वहाँ पे एक asymmetric carbon atom है, तो they will exist in two enantiomeric forms. ये तो हम पढ़ ही चुके हैं ना. तो these two are the mirror images of each other. These two are enantiomers of each other. Okay. Now, आपको क्या difference दिख रहा है? This OH is on right hand side. Okay, ये जो side है ना, this side is right side and this side is left side. ठीक है. Now, अभी क्या हुआ है? This OH is on right hand side. तो whenever the hydroxyl group of the chirality center or lowest chirality center is present on right hand side, that time the sugar is D sugar. और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, the OH group which is attached to the lowest chirality center is present on left hand side. तो इसीलिए उसका नाम है L glyceraldehyde. इसीलिए नाम क्या है? L glyceraldehyde. Fine. I hope this much is clear. तो L का मतलब है left side, R का मतलब है, D का मतलब है right side. अगर right side में OH group present है तो आप बोलोगे D sugar है. अगर left side में OH group present है तो आप बोलोगे L sugar है. लेकिन कौन सा OH group? Lowest chirality center का OH group. Okay? नीचे से जो last but one carbon आएगा ना, penultimate carbon. Okay? उसका अरेंजमेंट अगर ऐसा है, OH on right hand side and H on left hand side, तो आप बोलोगे D sugar है. और अगर glyceraldehyde की तरह अरेंजमेंट है किसी sugar में, right? Lowest chirality center. Lowest मतलब, lowest chirality center मतलब अभी consider glucose में कितने chiral carbon है? 4. तो जो सबसे नीचे वाला होगा, जो सबसे lowest chirality center होगा, उसका OH group आपको consider करना है. Okay? बाकी के OH group से आपको कोई लेना देना नहीं है. If you want to assign D and L configuration to any of the monosaccharide, to any of the carbohydrate, just consider the position of OH group which is attached to the lowest chirality center. Last but one carbon. Okay? So, D or L समझ में आ गया सबको? I hope this much is clear. अगर हम Fischer की बात करें तो ये हम ऐसा लिखेंगे. Okay? CHO. राइट यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2OH और यहाँ पे आ जाएगा. अभी डी ग्लिसराल्डिहाइड बनाना है तो OH कहाँ पे आएगा? राइट साइड में आएगा और H लेफ्ट साइड में आएगा. ठीक है. सो दिस इज योर डी ग्लिसराल्डिहाइड और अगर OH इस साइड आता है, H इस साइड आता है तो L ग्लिसराल्डिहाइड. फाइन. सो डी शुगर किसको बोलोगे? OH ग्रुप एट लोएस्ट कायरलिटी सेंटर टू द राइट. L sugar, OH group at lowest chirality center to the left. Okay, सिर्फ lowest chirality center देखना है. There are number of chiral carbon जिसको OH group attached है in monosaccharide. Okay, don't go for each and every OH. Just go for lowest chirality center. तो अभी देखो यहाँ पे कुछ example है. We have to identify D and L isomer कौन से है. ठीक है. तो अभी देखो lowest chirality center कौन सा है? This one is chiral carbon, this one is chiral carbon, and this one is chiral carbon, right? तो lowest chirality ये हुआ. अगर lowest chirality नहीं समझ में आ रहा, तो याद रखनो नीचे से last but one, दूसरा, the carbon which is adjacent to CH2OH group, उसका OH आपको देखना है. जो carbon आपके CH2OH को attached है, उसका OH group आप देखोगे कि वो left side में है या right side में. ठीक है. अभी ये कौन से साइड में OH है? लेफ्ट साइड में है. तो ये कौन सी शुगर हुई? L शुगर हुई. राइट. L आइसोमर हुआ. आइसोमर इसीलिए बोला है क्योंकि इनेंशियोमर्स होते हैं ना. अगर एक कायरलिटी सेंटर है तो उसके दो इनेंशियोमर्स होंगे. राइट. मिरर इमेजेस होंगी. तो अगर एक D होगा तो दूसरा L होगा. दैट्स व्हाई इट इज आइसोमर्स. बट D एंड L शुगर वी कैन राइट. ओके. अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया है. यहाँ पे
दिस इज योर कार्बन विच इज एडजेसेंट टू CH2OH, इसका OH लेफ्ट साइड में है, तो ये कौन सी शुगर हुई? L शुगर हुई. कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, राइट. 4 कार्बन अल्डेहाइड ग्रुप, मतलब ये कौन सा हुआ? अल्डो एट्रोस, राइट. दिस इज किटोहेक्सोस, इसका देखो OH ग्रुप कौन से साइड है? राइट साइड है. ओके, तो ये कौन सी शुगर हुई? ये डी शुगर हुई, राइट. ये कार्बन आप देखोगे यहाँ पे, इस कार्बन पे OH कहा है, इस कार्बन पे OH कहा है, हमको इसका कोई लेना देना नहीं है. ओके, सो जस्ट कीप द थिंग इन माइंड. अभी इसका हम देखेंगे कहा है, एक CHO है, ठीक है. दिस इज योर कौन सी शुगर है ये? OH कहा है, लेफ्ट साइड में L शुगर है. ओके, तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, असाइन डी एन एल नोटेशंस. ओके, तो आपको देखना है कि लोएस्ट कार्बन एटम, लोएस्ट कायरलिटी सेंटर का OH ग्रुप कौन से साइड है, और उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे असाइन कर दोगे, ठीक है. अभी देखो ये जो अरेंजमेंट है COH, CH2OH, ओके, ये ऐसी वाली अरेंजमेंट हमने यहां देखी, OH, CH2OH, ये पूरा बॉक्स, राइट. तो ये इसको सिमिलर है ना, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन. हम देख रहे हैं कि अगर ऐसी कोई अरेंजमेंट है तो हम उसको नाम देंगे L. ओके, तो इसीलिए हमने इसको नाम दिया L. ऐसी अरेंजमेंट D में थी, इसलिए हमने इसको नाम दिया D शुगर. ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर. तो अभी आप डी ग्लूकोज कैसे निकालोगे? हाउ विल यू राइट डी ग्लूकोज? यहाँ पे आ जाएगा CHO, राइट. फिर HOH, फिर आ जाएगा OHH, फिर आ जाएगा HOH, फिर आ जाएगा HOH, और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH. तो अभी देखो लोएस्ट कायरलिटी सेंटर का OH कहाँ है? राइट साइड में है, राइट. तो ये हो गया आपका डी ग्लूकोज, ये क्या हो गया आपका डी ग्लूकोज. लेकिन हम इसी डी ग्लूकोज को अभी हमने पीछे देखा था, हम वहां पे देखते हैं यहाँ पे, राइट. हमको एल ग्लूकोज बनाना है, तो हम एल ग्लूकोज क्या करेंगे, राइट. डी ग्लूकोज तो ये है, एल ग्लूकोज इसका इनेंशियोमर होगा, राइट. इनेंशियोमर होगा मतलब मिरर इमेज होगी, ठीक है. अभी मिरर इमेज हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में लिखेंगे, ठीक है. CHO, ओके, जो राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा OH, H, यहाँ पे आ जाएगा HOH, देन OHH, उसके बाद फिर से OHH, एंड एट लास्ट CH2OH. तो ये बन गया आपका डी एल ग्लूकोज. ओके, ये है आपका डी ग्लूकोज, ये बन गया आपका एल ग्लूकोज. ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर. वैसे ही आप एल फ्रुक्टोज भी बना सकते हो इसका मिरर इमेज, राइट. सो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड अबाउट डी शुगर एंड एल शुगर. ओके, सो नाउ अभी ये इसका इनेंशियोमर था डीएनएल का, तो ये लियो रेटेटरी होगा, ऑब्वियसली बात है, हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी में पढ़ा है ना, और ये डेक्स्ट्रो, फाइन. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस आर सम आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज, ओके, विच आर कॉल्ड एज इपीमर्स. अभी दिस इज न्यू टर्म, ओके, ये एक आइसोमर का टाइप ही होता है, राइट. सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि इपीमर्स में
देयर इज डिफरेंट कॉन्फिगरेशन अराउंड एनी वन कायरल कार्बन एटम. ठीक है, अभी दिस इज ग्लूकोज, ये जो सेंटर वाला है ये ग्लूकोज है. ओके, तो यहाँ पे चार कायरल कार्बन एटम है, दिस वन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. ओके, तो इफ वी कंसिडर मैनोज, अगर हम ये मैनोज का स्ट्रक्चर कंसिडर करें, यहाँ पे भी चार कायरल कार्बन एटम है, तो इन चार कायरल कार्बन एटम का कॉन्फिगरेशन हम चेक करेंगे. ठीक है, देखो यहाँ पे थर्ड कार्बन एटम में OH इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, OH इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड. फोर्थ में OH इज ऑन राइट हैंड साइड, OH इज ऑन राइट हैंड साइड. यहाँ पे भी राइट हैंड साइड, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड. तो पहली बात तो दोनों कौन सी शुगर है, डी शुगर है, राइट. लेकिन ये जो सेकेंड कार्बन एटम है, यहाँ पे इन केस ऑफ मैनोज OH इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड इन केस ऑफ ग्लूकोज OH इज ऑन राइट हैंड साइड. तो देयर इज अ डिफरेंट कॉन्फिगरेशन अराउंड दिस वन कायरल कार्बन एटम. ओके, दैट्स व्हाई दे आर इपीमर्स. और कौन से इपीमर्स है, C2. मतलब कार्बन एटम 2 पर देयर आर डिफरेंट कॉन्फिगरेशन. ठीक है, कायरल कार्बन 2 पर देयर इज डिफरेंट कॉन्फिगरेशन. देयर आर नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम, ठीक है, एक से ज्यादा कायरल एटम होंगे, लेकिन द कॉन्फिगरेशन इज डिफरेंट ओनली एट वन स्टीरियोजेनिक सेंटर. ठीक है, दैट टाइम दे आर नोन एज इपीमर्स. अगर एक से ज्यादा जगह डिफरेंस है तो दे आर नॉट इपीमर्स. अगर सिर्फ एक ही जगह डिफरेंस है देन दे आर इपीमर्स. ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बात करते हैं. ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या होगा, देखो हर जगह सेम है, सिर्फ देयर इज अ डिफरेंस एट फोर्थ कार्बन, बाकी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑल दिस कायरल कार्बन एटम हैव सेम कॉन्फिगरेशन एज दैट ऑफ ग्लूकोज, राइट. सिर्फ फोर्थ पे देयर इज अ डिफरेंस OH ग्रुप, यहाँ पे लेफ्ट साइड में, यहाँ पे राइट साइड में. तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर इपीमर्स ऑफ ईच अदर, C4 इपीमर्स, राइट, क्योंकि C फोर्थ कार्बन एटम डिफरेंट है. तो ये स्ट्रक्चर्स भी आपको याद रखने हैं विदाउट फेल. ठीक है, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, मैनोज के. नाउ गैलेक्टोज एंड मैनोज ये इपीमर्स नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इफ यू लुक एट मैनोज एंड गैलेक्टोज, सेकेंड कार्बन एटम पे भी डिफरेंस है, डिफरेंट कॉन्फिगरेशन है, और थर्ड कार्बन एटम पे भी डिफरेंट, फोर्थ कार्बन एटम पे भी डिफरेंट कॉन्फिगरेशन है, राइट. तो यहाँ पे दो कायरल एटम पे डिफरेंट कॉन्फिगरेशन हो गया, दैट्स व्हाई मैनोज एंड गैलेक्टोज आर नॉट इपीमर्स. ठीक है, बट ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर इपीमर्स, ग्लूकोज एंड मैनोज आर इपीमर्स. ओके, देयर आर आल्सो वन मोर टर्म, डायस्टीरियोमर्स. डायस्टीरियोमर्स में क्या होता है, देयर इज मोर देन वन कायरल कार्बन एटम बट दे आर नॉट मिरर इमेजेस. इनैंशियोमर्स में दे आर मिरर इमेजेस. ओके, सो ये कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी है, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं. व्हाट आर इपीमर्स, वेयर दे आर डिफर ओनली एट वन स्टीरियोजेनिक सेंटर, फिर वो कोई भी हो सकता है. ओके, बट लेकिन सिर्फ एक ही जगह डिफरेंस होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं. ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर. आइसोमर्स इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, इपीमर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक न्यू टर्म है. ओके, नाउ वी विल स्टडी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. अभी तक जो हमने देखा दैट इज ओपन चेन स्ट्रक्चर, मतलब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में अभी तक जो हमने स्ट्रक्चर देखा दैट इज ओपन चेन स्ट्रक्चर. तो क्या हुआ, इस ओपन चेन स्ट्रक्चर की वजह से देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज जो ग्लूकोज एक्सप्लेन नहीं कर पाया. वैसे तो ग्लूकोज के इस ओपन चेन स्ट्रक्चर ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दी थी, लेकिन स्टिल देयर आर सम प्रॉपर्टीज विच आर नॉट एक्सप्लेन बाय दिस ओपन चेन स्ट्रक्चर. जैसे कि अभी ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, हमने देखा ही है, राइट. तो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है एल्डिहाइड की, वो ग्लूकोज देना चाहिए, ठीक है, बट ग्लूकोज नहीं देता है. ग्लूकोज डू नॉट अंडरगो सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड. ओके, फिर हमने एक रिएक्शन देखी थी जिसमें हमने ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ट्रीट किया था, NH2OH के साथ. तो हमको क्या मिला था, हमको मिला था ऑक्साइन, राइट. तो जब हम फिर हमने एक और रिएक्शन देखी थी जिसमें हमने ग्लूकोज को ट्रीट किया था विद एसिटिक अनहाइड्राइड,
टू गेट ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, राइट। तो जब हमको वो पेंटा एसिटेट मिला उसमें भी सी एच ओ ग्रुप प्रेजेंट था, लेकिन जब हमने उस ग्लूकोज पेंटा एसिटेट को NH2OH के साथ ट्रीट किया तो हमको ऑक्साइम नहीं मिला। दैट इंडिकेट्स कि वहां पे सी एच ओ ग्रुप है ही नहीं, है ना। और एक था, और एक लिमिटेशन ये भी है कि देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। एक फॉर्म है अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, और एक है बीटा ग्लूकोज। ओके, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज विच यू गेट एट डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो ये थोड़ा हाइयर पॉइंट पे मिलता है आपको, हाइयर टेम्परेचर पे आप इसको क्रिस्टल आउट कर सकते हो। अल्फा ग्लूकोज थोड़े लोअर टेम्परेचर पे क्रिस्टल आउट हो जाता है, ठीक है। सो ये भी आपके ओपन चेन स्ट्रक्चर ने एक्सप्लेन नहीं किया था। ओके, सो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस टू द ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, बट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, रिएक्शन एंड फैक्ट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस स्ट्रक्चर। ओके, सो ऐसा बोला गया। अभी हमने बोला ना कि उसने एल्डिहाइड की रिएक्शन नहीं दिखाई, तो हम ये इंडिकेट करते हैं कि उसमें एल्डिहाइड एक ग्रुप ही नहीं है, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप तो है। तो फिर हमने प्रपोज किया कि शायद एल्डिहाइड ग्रुप किसी और ग्रुप में कन्वर्ट हो गया हो। ओके, सो हमने ये देखा कि अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप, जब CHO ग्रुप के साथ रिएक्ट होता है तो एक नया कंपाउंड बनता है, एंड दैट इज साइक्लिक हेमी एसिटल। क्या है? साइक्लिक हेमी एसिटल। ओके, तो शायद वो यहाँ पे बन रहा हो, हमने ऐसा कंक्लूड किया, राइट। तो इसमें क्या होता है, सी एच ओ ग्रुप होता है, ओके, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। और जब इसको हम अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन निगेटिव है, राइट, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन है तो ये बॉन्ड पे ले लेगा, ये हो जाएगा पार्शियल निगेटिव। तो अभी ये जो हाइड्रोजन है दिस विल गो टू दिस ऑक्सीजन, राइट। और जैसे ही वो ऑक्सीजन के पास जाएगा, डबल बॉन्डेड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा OH, है ना। ऐसे ही कुछ होगा या नहीं? ऐसे ही होगा, राइट। और ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी H यहां से चला गया, H यहां से चला गया, तो ये क्या हो गया, RO नेगेटिव हो गया। तो ये RO नेगेटिव अब किसके पास जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के पास जाएगा, तो यहाँ पे बन गया OR। ओके, तो यही है आपका साइक्लिक हेमी एसिटल। ओके, रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड विथ अल्कोहल और हाइड्रोक्सी ग्रुप, राइट, टू फॉर्म साइक्लिक हेमी एसिटल। दिस इज द थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, सो नेक्स्ट इज क्या, अभी जब ये रिएक्शन होगी, अभी सी एच ओ ग्रुप तो सबसे ऊपर है और OH ग्रुप आपके चार कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, राइट, नीचे पांच कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, राइट। तो ये ग्लूकोज क्या करेगा, मेंबर्ड रिंग बना देगा, इट विल फॉर्म सिक्स मेंबर्ड रिंग। ओके, सिक्स मेंबर्ड रिंग बन गई, कैसे, इन विच जो C5 कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, फिफ्थ कार्बन काइरल कार्बन पे जो आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज इन्वॉल्व विद द रिंग फॉर्म, दैट इज इन्वॉल्व इन द रिंग फॉर्मेशन विद दैट अल्डिहाइडिक ग्रुप। ओके, सो जब ये अल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ OH ग्रुप रिएक्ट होके साइक्लिक हेमी एसिटल बनेगा, तब आप बोलोगे कि अच्छा अल्डिहाइड ग्रुप तो प्रेजेंट ही नहीं है, राइट, हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट है, तो फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन कैसे मिलेगी, राइट। सो ये स्ट्रक्चर हमको जो जो हमारी ड्रॉबैक्स थी, जो हमारी लिमिटेशंस थी ओपन चेन स्ट्रक्चर की, वो ये स्ट्रक्चर फुलफिल कर रहा था। ओके, सो इससे हमको ये भी पता चला कि यस, देयर आर टू साइक्लिक फॉर्म्स विच एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विथ ओपन चेन स्ट्रक्चर, एंड दैट साइक्लिक फॉर्म्स आर नथिंग बट अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। तो नाउ वी विल सी हाउ दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर इज फॉर्म, ये बना कैसे, अभी हम वो देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये है आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओके, ये आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अभी
C5 कार्बन एटम पे क्या है? OH ग्रुप है, राइट? तो अभी ये OH ग्रुप क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है ना, और यहां पे है आपका कार्बोनिल ग्रुप। तो रिएक्शन किसके बीच में हो रही है? कार्बोनिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है? तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो ऑक्सीजन विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड इट गेट्स पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन गेट पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है? यहाँ पे भी आपके पास OH है, ठीक है? तो ये H जो है, दिस इज H पॉजिटिव, ऑक्सीजन ने यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर अपने तरफ ले लिए, तो ये हो गया H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव किसके पास जाएगा? दिस विल गो टू दिस ऑक्सीजन, राइट? और ये बन गया OH, राइट? ये बन गया OH। तो अभी जैसे ही ये OH बन गया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया टू द सिंगल बॉन्ड, है ना? अभी कार्बन की एक वैलेंसी ओपन हो गई, तो यहां पे कौन आएगा? ये ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन थ्रू इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जाएगा और बॉन्ड करेगा टू दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, ठीक है? तो अभी ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ भी बॉन्डेड है, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, राइट? देखो यहाँ पे बॉन्ड है C5 कार्बन के साथ ऑक्सीजन का, राइट? ऑक्सीजन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया? C1 के साथ भी बॉन्ड बनाया, ओके? ये आप देख सकते हो, ठीक है? अभी ये पॉइंट है, यहाँ पे टर्निंग है, इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे कार्बन एटम है, कोई कार्बन एटम नहीं है, जस्ट आपको बॉन्ड दिखाया गया है, ठीक है? तो अभी आप बोलोगे C2 पे भी तो OH ग्रुप था, C3 पे भी OH था, C4 पे भी OH था, यहाँ के हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्यों नहीं लिए, राइट? तो यहाँ के हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमने इसीलिए नहीं लिए क्योंकि जब आप यहाँ के हाइड्रोक्सिल ग्रुप लोगे तो रिंग बनेगी, राइट? एक रिंग बनेगी। अभी देखो हमने C5 का OH ग्रुप लिया तो कितने मेंबर्ड रिंग बनी? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ऑक्सीजन को भी कंसिडर करोगे ना, ये रिंग है ना, पार्ट है रिंग का, राइट? तो दैट इज 6 मेंबर्ड रिंग बनी, है ना? तो आप इसके जगह C4 से तो ले सकते हो, C4 का OH ग्रुप आप यूज कर सकते हो, राइट? लेकिन आप C3 और C2 का यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप C4 का OH ग्रुप यूज करोगे तो 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी विच इज क्वाइट स्टेबल, लेकिन जब आप C3 का और C2 का OH ग्रुप यूज करोगे तो रिंग 2 मेंबर या 3 मेंबर ही बनेगी, सॉरी 3 मेंबर 4 मेंबर बनेगी, तो वो अनस्टेबल है, ठीक है? वो स्टेबल नहीं है, दैट्स व्हाई हम यहाँ के OH ग्रुप यूज नहीं करते, वी विल गो फॉर C5। तो यही चीज आपको याद रखनी है, व्हेनेवर वी विल स्टडी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इन केस ऑफ अल्डोजेस, अल्डोजेस के केस में यू कैन यूज C4 C5, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ C4 एंड C5, लेकिन ग्लूकोज के केस में वी आर यूजिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ C5। और हमको कितने मेंबर्ड रिंग मिल रही है? हमको 6 मेंबर्ड रिंग मिल रही है, ठीक है? 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें से 5 क्या है, कार्बन एटम है, और एक क्या है, ऑक्सीजन एटम है, ठीक है? आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 और एक ऑक्सीजन एटम, तो ये रिंग बन गई, राइट? तो अभी ये जो OH ग्रुप यहाँ पे बना है, राइट, ये जो OH ग्रुप जो यहाँ पे ऑक्सीजन था और ये यहाँ का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास गया, राइट? तो ये OH ग्रुप किसी भी साइड प्रेजेंट हो सकता है, राइट साइड भी प्रेजेंट हो सकता है और लेफ्ट साइड भी प्रेजेंट हो सकता है। अभी तक ये जो कार्बन एटम था, अल्डिहाइडिक कार्बन जो था, कार्बोनिल कार्बन जो था, ये काइरल नहीं था, लेकिन जैसे ही साइक्लिक में कन्वर्ट हुआ, ये कार्बन एटम भी क्या बन गया, डिफरेंट बन गया, राइट? तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे OH ग्रुप राइट साइड में भी प्रेजेंट हो सकता है और लेफ्ट साइड में भी प्रेजेंट हो सकता है ना, बोल सकते हैं हम लोग ये। तो इसके वजह से ही यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज नेमिंग हुई है, राइट? इफ द OH ग्रुप ऑफ C1 कार्बन एटम इज प्रेजेंट एट राइट साइड, C1 कार्बन एटम का OH ग्रुप अगर राइट साइड में प्रेजेंट है तो आप बोलोगे अल्फा ग्लूकोज है,
और अगर C1 का OH ग्रुप लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो आप बोलोगे बीटा ग्लूकोज है। ओके, तो ये चीज याद रखना। और ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है, दिस बॉन्ड, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑक्सीजन लिंकेज है, लिंक है C5 को भी और C1 को भी, ठीक है, तभी तो रिंग बनेगी ना, राइट। तो ये आपको बताना बहुत जरूरी है, बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पे कार्बन को एच अटैच था, देखो तो वो एच वैसे ही अटैच रहेगा, राइट, और ऑक्सीजन एक नया बॉन्ड कार्बन के साथ बना देगा। फाइन, आई होप दिस मच इज क्लियर। और ये C1 जो कार्बन एटम है ना, इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन एटम। इसको क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन एटम। एंड अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, दे आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। ये जो नो, ये अल्फा ग्लूकोज एंड जो बीटा ग्लूकोज है, दे आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर, ये चीज याद रखना। अभी एनोमर्स बोला है मतलब दे हैव डिफरेंट कॉन्फिग्रेशन एट C1। C1 पे किसी भी मोनोसेकेराइड का, अगर C1 पे अल्डोजेस का अगर C1 पे डिफरेंट कॉन्फिग्रेशन है तो दैट टाइम दे आर कॉल्ड एज एनोमर्स ऑफ ईच अदर एंड C1 कार्बन एटम इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन एटम। ठीक है, तो वेन एवर द कॉन्फिग्रेशन इज डिफरेंट एट एनोमेरिक कार्बन एटम, दैट टाइम दे आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, जो कार्बन, जिस कार्बन पे अभी ये OH ग्रुप लगा है, ऑक्सीजन ने जिसके साथ बॉन्ड किया है, राइट, दैट कार्बन C1। तो आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। ओके, अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बना, बीटा डी ग्लूकोज कैसे बना। ओके, और ये जो 6 मेंबर्ड रिंग बनी है ना अभी नई नई साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में, दैट इज रिसेम्बल टू पायरिन। ये किसके जैसी है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है एक, पायरिन, उसके जैसी है। एंड दैट्स व्हाई नेम क्या दिया है हमने इसको, ग्लूकोपायरेनोस। नाम क्या दिया है? ग्लूकोपायरेनोस। बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस एंड अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर। सिर्फ इतना याद रखना है C5 का जो OH ग्रुप है दैट विल गो एंड बाउंड टू दिस कार्बोनिल कार्बन एट C1। ठीक है, ये जो H है ये पहले ऑक्सीजन को जाके बॉन्ड करेगा, OH बन गया, राइट, H तो ऑलरेडी था। और ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट, ये जाके किसको बॉन्ड करेगा? आपके कार्बोनिल कार्बन को जाके बॉन्ड करेगा, राइट। और ये ऑक्सीजन इस C5 से लिंक रहेगा, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, सिर्फ एक नया बॉन्ड बना है विथ C1। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। सो प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस इट आउट। ये स्ट्रक्चर्स आपको लर्न होने ही चाहिए, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, डी शुगर किसे बोलते हैं, एल शुगर किसे बोलते हैं, ग्लिसरालडेहाइड का स्ट्रक्चर, राइट, एंड देन दिस स्ट्रक्चर, ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज एंड बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। ओके, सो हमने देखा जब हम अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज को वाटर में डिजोल्व करते हैं, उसका एक्वियस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो दिस सॉल्यूशन इज चेंजेस टू दिस ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, धीरे धीरे इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है विद ओपन चेन स्ट्रक्चर। बीटा ग्लूकोज भी इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है विद दिस ओपन चेन स्ट्रक्चर, राइट। तो अल्फा डी ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन है 111 डिग्री प्लस 111 डिग्री। ठीक है, और इसका जो बीटा का ऑप्टिकल रोटेशन है दैट इज 19.2 या 7, प्लीज चेक इट आउट, हाँ इसको चेक कर लेना एक बार। और ओपन चेन का जो ऑप्टिकल रोटेशन है दैट इज 52.7 डिग्री। ठीक है, प्लस 52.7 डिग्री। ओके, तो यही चीज आपको याद रखनी है। तो ये इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होता है, तो टू फॉर्म्स में एग्जिट कर रहा है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम विद ओपन चेन स्ट्रक्चर इन एक्वियस सॉल्यूशन। ओके, सो दिस मच थिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड हाउ विल कन्वर्ट हैवर्ड
फ्रॉम फ्रिशर विल कन्वर्ट फ्रिशर टू हैवोर्थ. ठीक है, हम साइक्लिक को हैवोर्थ में कैसे लिखेंगे, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को हैवोर्थ फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, राइट, ये पायरन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये हम पढ़ेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू, राइट. प्रैक्टिस इट आउट, कीप प्रैक्टिसिंग. जब तक आप ये लिख के नहीं देखोगे ना, तब तक ये स्ट्रक्चर्स लर्न नहीं होंगे. गेट मी इट वेरी क्लियर. ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स बिना लिखे, बिना ट्राई किए याद नहीं होते. ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय.